scrolling through the end. Tick, I'm scrolling through again. Tick. Good afternoon, Gaurav. Okay, good afternoon, beta. Welcome to this live session. Good afternoon to all students. Good afternoon, beta. Good afternoon. तो I think सभी बच्चों को लिंक भेज दिया गया है या जिनको लिंक मिल गया है ठीक है वो तो लाइव अब आ रहे हैं ठीक है बेटा तो जल्दी से कनेक्ट हो जाइए सभी जिनको अभी लिंक भेजा जा रहा है. Good afternoon. Welcome to this live session. Good afternoon, students. Good afternoon, Jatin, Sandeep, Sunita. Good afternoon, beta. Good afternoon. आई होप अपने आपने अपना प्रॉपर टाइम शेड्यूल बना लिया होगा ठीक है और प्रॉपर वे से आप स्टडी कर रहे होंगे. ओके गुड आफ्टरनून बेटा गुड आफ्टरनून जल्दी से कनेक्ट हो जाइए ठीक है. गुड आफ्टरनून. आज का जो सेशन है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ठीक है तो सभी बच्चों को लिंक मिल गया होगा. If I am audible, then type Y in chat box में बेटा type Y करेंगे अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सभी. Okay, ठीक है बेटा. तो आप hopefully आपकी क्लासेस जो है live क्लासेस जो है वो regular वे से start हो गई है ठीक है. सभी लेक्चर का शेड्यूल बन गया है और इसलिए जो हमारी टीम है वो प्रॉपर मेहनत कर रही है ताकि इस लॉकडाउन में आपकी स्टडी के ऊपर कोई फर्क ना पड़े ठीक है बेटा. तो आपने भी ऑनेस्ट वे से टाइम शेड्यूल फॉलो करना है ठीक है और जो भी आपको कंसेप्ट बताया उनको अच्छे समझना है क्योंकि ये जो प्लस टू की क्लास है ठीक है आपका ये करियर वाली क्लास है ठीक है. आपका करियर तभी बनेगा अगर आपने प्लस वन एंड प्लस टू क्लासेस अच्छे से उनके कंसेप्ट किए होंगे ठीक है बेटा. राइट तो आप ऑनेस्ट वे से अगर स्टडी करेंगे आप फुल एंथुसियाज्म के साथ ठीक है डिटर्मिनेशन के साथ तो आप एकदम से जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनको इजी वे से क्रैक कर सकते हैं ठीक है. तो दिस इज दीप कुमार योर केमिस्ट्री मेंटर and I hope all of you students are doing well at home ठीक है. तो चलिए आपको पता ही है हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और केमिस्ट्री जो है वो ऑल अराउंड है ठीक है. केमिस्ट्री के बिना हम मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हैं ठीक है. तो केमिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है. जो भी हम एयर ब्रीथ कर रहे हैं ठीक है द फूड वी ईट गेटिंग योर सेल्फ क्लीन तो सभी चीजों में केमिस्ट्री इन्वॉल्व है. जो भी हम मैटर देख पा रहे हैं ये ठीक है तो सभी में केमिस्ट्री इन्वॉल्व है. केमिस्ट्री के बिना आप कुछ नहीं कर सकते कोई भी कंसेप्ट नहीं कर सकते ठीक है. तो हर कंसेप्ट में केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है. ओके जैसे कोई फोटोसिंथेसिस हो रहा है ठीक है ग्रीन प्लांट्स जो है अपना फूड बना रहे हैं ठीक है. CO2 एंड वाटर इनटेक कर रहे हैं लाइट की प्रेजेंस में और क्या दे रहे हैं ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. वो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं ठीक है और ठीक है जो फिर केमिकल रिएक्शन हो रहा है केमिकल रेस्पिरेशन हो रही है और हम क्या कर रहे हैं CO2 एक्सहेल कर रहे हैं
ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस साथ में चलते हैं, तो मतलब आप बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री के बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो भी हम फूड लेते हैं, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है, तो ये सब कुछ इन्वॉल्व होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम बात करें तो उसमें भी जनरल जो बेसिक यूनिट होती है दैट इज ग्लूकोज, ठीक है, तो वही मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे आप सब कुछ स्टडी करते हो और मॉलिक्यूलर लेवल पे आप केमिस्ट्री में ही स्टडी करते हैं। ओके, तो केमिस्ट्री हमारे ऑल अराउंड है, तो काफी इंटरेस्टिंग है केमिस्ट्री, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप जो भी जनरल चीजें देख पाते हैं केमिस्ट्री में वो हम स्टडी करते हैं, इसमें जनरली जो भी होमोजीनियस जो चीजें होती हैं, ठीक है, मतलब जिनकी कंपोजिशन जो रहती है वो अप्रोक्सीमेटली सेम रहती है। ओके, तो जैसे हम मान लो वाटर पी रहे हैं, ठीक है, पानी पी रहे हैं, तो पानी भी जनरली प्योर नहीं होता, उसमें भी मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम आयन्स होंगे, ठीक है, क्लोराइड्स आयन होंगे, तो ऐसा जो सिस्टम बना है, कोई जब हम बात करते हैं केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में हम प्योर सब्सटेंसेस से डील बड़ा कम करते हैं, ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस से डील बड़ा कम करते हैं, तो जो हमारे पास सब्सटेंसेस हैं वो जनरली कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। ओके, कंबाइंड फॉर्म में रहेंगे। ओके, कंबाइंड फॉर्म में रहेंगे, जैसे जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी आपको पता है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन रहती है, नाइट्रोजन काफी अबंडेंट रहती है, ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन है, समझा रही बात, तो ये जनरली होमोजेनियस मिक्सचर की फॉर्म में हमारे अराउंड जो है वो चीजें रहती हैं। जैसे कोई भी एलिमेंट जनरली प्योर स्टेट में जनरली नहीं पाया जाता है, वो कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है। ओके, जैसे कोई स्टोन ही ले लें, ठीक है, या वुड ले लें, उनमें भी कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है, ऐसे मैग्नीशियम कैल्शियम, ऐसी कंपोजिशन पाई जाती है, तो प्योरली कोई भी चीज नहीं होती जनरली, ठीक है, मतलब जो भी चीजें होती हैं हमारे पास वो किस फॉर्म में होती है, एक मिक्सचर की फॉर्म में होती है। तो आज का जो टॉपिक हमारा वो है वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है, तभी हमने जो फर्स्ट चैप्टर लिया है वो मिक्सचर से रिलेटेड लिया है, क्योंकि हमारे जो भी जितने भी चीजें हैं वो जनरली किस फॉर्म में पाई जाती है, मिक्सचर की फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है, तो ओके, मिक्सचर की फॉर्म में पाई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो आज का हमारा लेसन है, दैट इज सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन भी क्या है बेटा, ये सॉल्यूशन एक क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस ओके मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर रहेगा सॉल्यूशन, ठीक है, हूज कंपोजिशन, हूज कंपोजिशन, हूज कंपोजिशन कैन बी वेरीड विदिन सर्टेन लिमिट्स। ओके, तो सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है। होमो का मतलब क्या होता है, ठीक है, होमो मतलब होता है सेम। ओके, जीनियस मतलब होता है फेज, सेम फेज में जो भी हमारे पास चीजें रहेंगी वो कैसे रहेंगी, सेम फेज में। ओके, तो मैं फिर से अच्छे से इसको लिख देता हूं, ठीक है, सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है, और whose composition, जो कंपोजिशन रहेगी, whose composition, सॉल्यूशन जो होमोजीनियस मिक्सचर, whose composition इज varied within certain limits। ओके, जहां पे बेटा आपको पता नहीं लगे वहां पे आपने रिप्लाई करना है, ठीक है। ओके,
वो बेटा अब क्लियर दिख रहा है? ओके आंसर करेंगे अब क्लियर है बेटा? हाँ नोट्स आपने बेटा साथ साथ में बनाते रहना है, ठीक है? नोट्स आपने साथ साथ में बनाते रहना है, ओके? हाँ जो भी मैं लिखवा रहा हूं, तो सॉल्यूशन क्या बोला मैंने, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसकी कंपोजिशन सर्टेन लिमिट तक वेरी कर सकती है। इस बात को समझते हैं क्या लिख रहे हैं हम ये, ठीक है? तो होमो का मतलब होता है सेम फेज, या बोल सकते हो इसको सिंगल फेज बोल सकते हो, सिंगल फेज। मान लो आपने क्या लिया है, एक बीकर लिया है, उसमें वाटर डाला है, ठीक है? और इसमें आपने क्या किया है, एक तो वाटर है इसमें और एक इसमें बेटा आपने क्या डाला है, NaCl। और आपको पता है जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, वो इजिली डिजोल्व हो जाएगा वाटर में और एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बनेगा। मतलब जो NaCl के पार्टिकल है, NaCl के पार्टिकल वो होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट होंगे पूरे कंटेनर में, ओके? NaCl मान लो आप इस कंटेनर के 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, तो आपको आप पाओगे कि सभी जगह जो कंपोजिशन है, जितने पार्टिकल यहां पे हैं NaCl के, उतने ही पार्टिकल आपको NaCl के यहां मिलेंगे, उतने ही पार्टिकल, मतलब हर जगह कंपोजिशन क्या रहेगी, सेम, और सिंगल फेज मिलेगा। सिंगल फेज का मतलब क्या है, या तो सॉलिड ही होगा या लिक्विड ही होगा या गैस ही होगी। तो आप देख रहे हो यहां पे सॉल्यूशन जो है वो आपको क्या दिख रहा है, लिक्विड की फॉर्म में दिख रहा है, ओके? लिक्विड की फॉर्म में दिख रहा है मतलब कौन सा फेज हुआ, लिक्विड फेज हुआ, सिंगल फेज है। आप यहां पे सॉलिड नहीं ढूंढ पाओगे क्योंकि जो NaCl के पार्टिकल है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे, उनका जो डायमेंशन है वो बहुत ही कम है, मॉलिक्यूलर लेवल पे अच्छे से क्या हो गए हैं, डिसॉल्व हो गए हैं, ठीक है? तो हर जगह कंपोजिशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। ऐसा नहीं कि यहां पे आपको जैसे आप एक स्पून लिया आपने, ओके, और यहां से आपने थोड़ा सा NaCl का ये सॉल्यूशन लिया, ऐसा नहीं होगा कि यहां से ज्यादा साल्टी लगेगा आपको और यहां पे कम साल्टी लगेगा। ये एक चम्मच यहां से उठाया, एक यहां से उठाया, हर जगह आपको पूरा सेलाइन वाटर की जो कंपोजिशन है वो एक जैसी ही रहेगी। इसको बोलते हैं हम होमोजीनियस मिक्सचर, सिंगल फेज, ओके? तो होमोजीनियस मिक्सचर है, उसकी कंपोजिशन सर्टेन लिमिट्स तक की हो सकती है। आप NaCl जो है वो सर्टेन लिमिट्स तक की डिसॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है आपने एक बार 10 ग्राम NaCl डाला है, 90 ग्राम वाटर लिया है, एक बार आपने 40 ग्राम NaCl लिया है और 60 ग्राम वाटर लिया है, ओके? तो कुछ कंपोजिशन तक ही कोई चीजें क्या हो सकती हैं, डिसॉल्व। समझा रही बात, सर्टेन लिमिट्स तक ही डिसॉल्व हो सकती हैं कुछ चीजें। ऐसा नहीं कि आप डालते गए NaCl, डालते गए और वाटर में डिसॉल्व होता गया, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद जो है वो सेचुरेशन फैक्टर आ जाएगा, उसके बाद वो चीजें डिसॉल्व नहीं होगी, ठीक है? इसके बाद इसमें क्या होगा, ये बातें बाद में करूंगा मैं, कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन के बराबर हो जाएगा, ठीक है? ये बातें बाद में करेंगे। अच्छा बोर्ड क्लियर नहीं है बेटा? हाँ बेटा यहां पे ध्यान देंगे, अभी एलो एल्केन बाद में चलेगा, अभी सॉल्यूशन देखिए, है ना, सॉल्यूशन चैप्टर, क्योंकि हम जो जनरली मैंने बोला था हम अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जो भी ऑडियो है और जो मैं राइट कर रहा हूं, ठीक है, वो उनका कोऑर्डिनेशन है आपस में, कोऑर्डिनेशन बन रहा है, टाइप या वाई करेंगे अगर कोऑर्डिनेशन बन रहा है, जो भी मैं बोल रहा हूं और जो मैं लिख रहा हूं, क्या उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बन रहा है? ओके ठीक है, ओके, यस यस, गुड गुड, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखा आपने, होमोजीनियस मिक्सचर होगा जिसकी कंपोजिशन कुछ सर्टेन लिमिट्स तक ही क्या हो सकती है, वेरी कर सकती है। ऐसा नहीं कि आप डालते गए सारी चीजें डिसॉल्व होती रहेगी, ओके? तो उसके बाद ये जो मिक्सचर है, क्या क्या हो, मिक्सचर में क्या क्या हो सकते हैं, मिक्सचर को ही इसमें मान लो दो चीजें डाली हैं आपने, ओके? मतलब दो कंपोनेंट डाले हैं, टू कंपोनेंट, ठीक है? तो आप सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन इज क्लासिफाइड, सॉल्यूशन को क्लासिफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ
कंपोनेंट्स कि आपने कितने कंपोनेंट डाले। जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में जो मैंने एग्जांपल दिया था बेटा, उसमें मैंने क्या लिया था, वाटर लिया था और क्या लिया था, NaCl लिया था। तो इसमें मैंने दो कंपोनेंट डाले हैं, एक मैंने NaCl डाला है। अच्छा, दो कंपोनेंट लिए मैंने पिछले एग्जांपल में, एक मैंने वाटर लिया था और एक क्या लिया था, NaCl लिया था। ओके, तो यहां पे दो ही कंपोनेंट है। अगर दो कंपोनेंट आप यूज करोगे सॉल्यूशन बनाने के लिए तो उसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन कब बोलेंगे, जब कितने कंपोनेंट इन्वॉल्व होंगे बेटा, टू कंपोनेंट इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, टू कंपोनेंट होंगे सॉल्यूशन में। अगर आप तीन कंपोनेंट ले रहे हो, ओके, मान लो इसमें आप शुगर भी डाल रहे हो, शुगर भी डाल रहे हो, कितने कंपोनेंट डाल दिए आपने, तीन कंपोनेंट डाल दिए। तो अगर तीन कंपोनेंट डालोगे तो उसको बोलते हैं बेटा हम टर्नरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, टर्नरी सॉल्यूशन। टू कंपोनेंट, सॉरी थ्री कंपोनेंट। क्लियर है सभी को? अगर आप बेटा चार कंपोनेंट डालें, इसमें कुछ और डाल दिया आपने, मान लो अल्कोहल डाल दिया, अल्कोहल मॉलिक्यूल डाल दिया, थोड़ा सा आप एक्टिवेट हो जाओगे अगर अल्कोहल डालोगे और फिर इस सिरप को पी लोगे। ठीक है, थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाओगे आप अच्छे से। तो अगर आपने चार कंपोनेंट डाल दिए, तो चार कंपोनेंट डाल दिए, फोर कंपोनेंट, तो उसको बोलते हैं हम बेटा क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। कितने कंपोनेंट डाल दिए आपने, जब फोर कंपोनेंट डाल दिए। तो क्लियर हो रहा है मेरी बात सभी को? हाँ ठीक है, क्लियर है। हाँ सौरभ ठाकुर शायद एक्टिवेट हो गया। हाँ ठीक है, तो बेटा ऐसे चलता है ना, अगर दो कंपोनेंट डालोगे तो बाइनरी, तीन डालोगे तो टर्नरी, चार डालोगे तो क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। बट बनना चाहिए, शर्त है क्या बनना चाहिए, होमोजीनियस बनना चाहिए, एक ही फेज होना चाहिए, तभी बोलेंगे हम। और यहां पे जो हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं उसकी, वो जो सॉल्यूशन है वो है ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन भी तीन टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं ट्रू, कोलाइडल एंड सस्पेंशन। ठीक है, वो हम जो कोलाइडल एंड सस्पेंशन है वो हम सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अभी जो मैं बात कर रहा हूं इसमें सॉल्यूशन में, वो कर रहा हूं मैं किसकी, ओनली ट्रू सॉल्यूशन। तो बात पे ध्यान दें है ना। तो ये सभी ने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको रब कर रहा हूं। ओके, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और इसमें से इस चैप्टर में से अभी तो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा बेसिक देख रहे हैं। इस चैप्टर में से मैं बता देता हूं, जो जेईई एंड नेट में जहां से क्वेश्चन आता है वो एक तो आ सकता है वेपर प्रेशर से, वेपर प्रेशर इसमें टर्म पढ़ेंगे हम। अब इसी बात है सॉल्यूशन इन्वॉल्व हो गया तो अब इसी बात है वेपर भी उठेंगे फिर। ठीक है, बीकर में वेपर प्रेशर एक क्वेश्चन आ सकता है आपको, जो इंपॉर्टेंट है वो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन से बनता है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, यहां से आप पूछ सकता है क्वेश्चन। सॉल्यूशन भी दो टाइप्स के हो सकते हैं, आइडियल एंड नॉन आइडियल। और एक जो भी मेनली जो रहता है वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, किससे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ कल, हाँ बेटा कल क्लास लगेगी। ठीक है, कल क्लास रहेगी। तो देखिए, तो जो कंपोनेंट्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, सॉल्यूशन में कंपोनेंट्स आपने देखे दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। तो उन कंपोनेंट्स को बोलते क्या हैं? ठीक है, उन कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं जो सॉल्यूशन में कंपोनेंट होते हैं, जो बेटा सॉल्यूशन में कंपोनेंट होते हैं उनको बोला जाता है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ओके, जो क्या होते हैं सॉल्यूशन में कंपोनेंट होते हैं उनको क्या बोला जाता है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बोला जाता है। सोल्यूट कौन सा हुआ, सोल्यूट जैसे मैंने आप यहां पे NaCl डिसॉल्व किया था, किसमें, वाटर में डिसॉल्व किया था बेटा। तो जो डिसॉल्व किया, जो डिसॉल्व किया आपने, दैट डिसॉल्व उसी को क्या बोलते हैं, ठीक है, जो डिसॉल्व किया आपने वही क्या है, सोल्यूट है।
वही क्या है, सोल्यूट है, जिसमें डिजोल्व हुआ, किसमें डिजोल्व हुआ MaCl, वाटर में, वो क्या है, सॉल्वेंट है, वो क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। इन विच डिजोल्यूशन टेक्स प्लेस, जिसमें क्या हुई, डिजोल्यूशन हुई, इन विच डिजोल्यूशन टेक्स प्लेस, जिसमें कोई चीज घुली वो क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ, ठीक है, समझा रही बात। और जो घुला, कौन घुला, सोल्यूट, ओके, तो उसको सोल्यूट बोलते हैं। और सोल्यूट को जनरली हम और भी वे से डिफाइन करते हैं, ये तो मैंने जनरल बताया, जो घुला वो सोल्यूट, जो ठीक है, जिसने घुला वो सॉल्वेंट। तो सोल्यूट जो है, हम जनरली सोल्यूट एंड सॉल्वेंट जनरली दो वे से देखते हैं, एक तो हम देखते हैं अमाउंट मेथड से, एक किससे देखते हैं, अमाउंट मेथड से। क्या बता रहा हूं मैं, क्या देखना है हमने, सोल्यूट कौन होगा और सॉल्वेंट कौन होगा, ठीक है। सोल्यूट, जैसे मान लो मैंने यहां पे इथेनॉल लिया, C2H5 लिया, किसमें, वाटर में लिया, ओके। अभी मैं ले रहा हूं ये 40 ml ले रहा हूं और ये वाटर ले रहा हूं 60 ml, ओके। तो 40 ml जो होगा, जो कम अमाउंट में होगा, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सोल्यूट। जो ज्यादा अमाउंट में होगा, एक्सेस अमाउंट में होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, सॉल्वेंट बोलेंगे, ओके। तो अमाउंट मेथड है, अमाउंट मेथड में क्या होगा, विच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, विच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, उसको क्या बोलेंगे हम, जो लार्ज क्वांटिटी में है उसको बोलेंगे बेटा हम सॉल्वेंट। और जो लेस क्वांटिटी में है, जो लेस क्वांटिटी में है, विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, ओके, या लेसर क्वांटिटी, लेसर अमाउंट, उसको क्या बोलेंगे बेटा हम, सोल्यूट बोलेंगे, समझा रही बात। और दूसरा मेथड है, कई बार ऐसा होता है, देखिए मान लो आपने यहां पे 10 ग्राम NaCl लिया है और 90 ग्राम जो लिया है आपने वो वाटर लिया है, तो अब इसी बात है 90 ग्राम वाटर में NaCl जो है एकदम से क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। अब सोचो, ये ए कंडीशन रखी मैंने, ये बी कंडीशन रखी, अब मैं क्या ले रहा हूं यहां पे जो है 40 ग्राम जो है वो वाटर ले रहा हूं और 60 ग्राम जो है वो NaCl ले रहा हूं। ऊपर वाले केस में तो आप एकदम से बता सकते हैं, इस वाले केस में, ए वाले केस में, कि सर NaCl जो है लेस अमाउंट में है तो क्या हुआ, ये सोल्यूट हुआ, और वाटर जो है एक्सेस अमाउंट में है तो क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ, ओके। नीचे वाले केस में इसका आंसर करेंगे, ये जो मैंने लिखा 40 ग्राम वाटर और 60 ग्राम NaCl, कौन सा इसमें सोल्यूट है, कौन सा सॉल्वेंट है, क्या वाटर सोल्यूट है या NaCl सोल्यूट है, आंसर करेंगे बेटा। आंसर करेंगे 60 ग्राम सोल्यूट, 60 ग्राम। और भी आंसर करेंगे बेटा, नंबर ऑफ मोल चेक करेंगे, वाटर NaCl, NaCl वाटर सोल्यूट, NaCl सोल्यूट, वाटर सोल्यूट, ओके, NaCl सोल्यूट। तो देखिए बेटा, अगर ऐसी कंफ्यूजन हो तो आप क्या करिए, या तो फेज देखिए कि फेज सर कौन सा बन रहा है, क्या सॉलिड फेज बन रहा है या लिक्विड फेज बन रहा है, समझा रही बात। अगर आप 60 ग्राम NaCl लेंगे और 40 ग्राम वाटर लेंगे, तो 40 ग्राम वाटर में NaCl डिसॉल्व हो जाएगा, 40 ग्राम वाटर में NaCl डिसॉल्व हो जाएगा, और जो फेज बनेगा, ये जो फेज बनेगा बेटा, वो लिक्विड फेज ही बनेगा, क्या बनेगा, लिक्विड फेज। तो जैसा फेज बनता है वही सॉल्वेंट होता है, जिसका फेज बनता है ना वही क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। जैसे किसका वाटर क्या था, लिक्विड फॉर्म में था, और सॉल्यूशन भी किस फॉर्म में बना, लिक्विड फॉर्म में बना, ओके, तो वाटर ही रहेगा फिर भी सॉल्वेंट, समझा रही बात। तो दूसरा जो मेथड है, दूसरा मेथड जो है
सोल्यूट एंड सॉल्वेंट चेक करने का वो है बेटा फेज मेथड, फेज मेथड। ठीक है, मान लो दो कंपोनेंट है ए एंड बी, ठीक है ए एंड बी, और मैं जो ये बोल रहा हूं ए जो है वो लिक्विड फेज में है, ये लिक्विड है, और जो बी है वो सॉलिड है। ए जो है वो लिक्विड है और बी जो है वो क्या है सॉलिड है। अब क्या कर रहे हैं हम, इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है मिक्स कर रहे हैं। ऑन मिक्सिंग, ऑन मिक्सिंग इफ फेज इज, अगर फेज जो आया अगर बेटा जो फेज जो आया ठीक है ओके जो फेज आया फेज जो आया अगर लिक्विड हुआ, फेज लिक्विड हुआ तो ओके फेज अगर लिक्विड हुआ तो ए जो है वो सॉल्वेंट कहलाएगा और जो बी है वो क्या कहलाएगा सोल्यूट कहलाएगा, क्योंकि हमारे पास जो फेज बन रहा है वो क्या बन रहा है, फेज जो बन रहा है सर वो क्या बन रहा है लिक्विड बन रहा है, और जो हमारे पास लिक्विड था वो कौन सा कंपोनेंट था ए था, तो जिसका फेज बन रहा है वही क्या हुआ सॉल्वेंट हुआ। अच्छा अब सोचिए, अच्छा इसका एग्जांपल मैं बता देता हूं, फॉर एग्जांपल NaCl ठीक है डिसॉल्व इन, NaCl डिसॉल्व इन वाटर, ओके तो वाटर जो है यहां पे सॉल्वेंट है, मतलब ये ए कंपोनेंट है, और जो सॉलिड है NaCl है वो बी कंपोनेंट है, इस केस सोल्यूट है ओके। अच्छा अब दूसरा क्या हो सकता है, मिक्स करने के बाद अगर फेज जो है, मिक्स करने के बाद अगर फेज जो है वो क्या बने बेटा सॉलिड बने, अगर फेज फेज सॉलिड बनता है तो अब ए जो है वो क्या होगा सोल्यूट होगा एंड बी जो है वो क्या होगा सॉल्वेंट होगा, क्योंकि जो फेज है वो सॉलिड बन रहा है, सॉल्यूशन आपको अब सॉलिड टाइप दिख रहा है ओके समझा रही बात। तो जो ए था वो तो लिक्विड है, मतलब उसका अमाउंट तो अब कम ही है ठीक है, क्योंकि उसका थोड़ी बन रहा है फेज, फेज तो सॉलिड बन रहा है, इसका मतलब जो बी था वही था ज्यादा अमाउंट में, उसी का बना क्या सॉल्यूशन है ना सॉलिड सॉल्यूशन सॉलिड, तो बी जो है वो क्या है सॉल्वेंट है, तो ऐसे पता करना है। दूसरा वे अगर आपने और भी ट्रिकी होना है तो दूसरा वे आप कर सकते हैं, आप सिंपली ये भी मेथड जानने की जरूरत नहीं है आपको अमाउंट मेथड की, जिसका अमाउंट ज्यादा हुआ वो सॉल्यूट, सॉरी जिसका अमाउंट ज्यादा हुआ वो सॉल्वेंट, जिसका कम हुआ वो सॉल्यूट, या फेज मेथड, या ये मेथड जाने की जरूरत नहीं, आप सीधा क्या चेक करिए, चेक नंबर ऑफ, अच्छा फेज मेथड रिपीट करना है बेटा, देखिए फेज मेथड, फेज मेथड में क्या होगा, देखिए आपके पास दो कंपोनेंट है ए लिक्विड है और बी जो है, ए लिक्विड है और बी जो है वो सॉलिड है ठीक है, दो दो दे रखे हैं आपके पास, ऐसे बिकर दे रखे हैं, इसमें ए कंपोनेंट है और इसमें बी कंपोनेंट है जो कि सॉलिड है, समझा रही बात, ये सॉलिड है और ये लिक्विड है। अब मिक्स किया आपने दोनों को, मिक्स किया, मिक्स करने के बाद क्या बनेगा बेटा सॉल्यूशन बनेगा। अब चेक करो अगर यहां पे जो फेज है, यहां पे जो फेज बन रहा है अगर वो लिक्विड बन रहा है तो अब इसी बात है वो क्या होगा, अगर फेज लिक्विड बना, फेज लिक्विड बना तो ए क्या होगा सॉल्वेंट होगा, क्योंकि फेज उसी का बनता है ठीक है जो डिसॉल्व करता है किसी चीज को, समझा रही बात, और जो डिसॉल्व करता है जिसमें डिसोल्यूशन होती है उसी को क्या बोलते हैं सॉल्वेंट बोलते हैं। हाँ बेटा वो दिया होता है ठीक है ठीक है, हाँ बेटा यही बता रहा हूं। हाँ सॉलिड का एग्जांपल देखिए, सॉलिड का एग्जांपल, सॉलिड अगर सॉलिड है, अब देखिए सॉलिड के फेज का कैसे पता करोगे आप कि कौन सा सॉलिड है कौन सा ओ है ठीक है, तो सॉलिड के फेज के लिए अब देखिए सॉलिड साल्ट ले रहे हैं, मान लो 90 ग्राम आपने NaCl लिया है, 90 ग्राम NaCl, और आपने 10 ग्राम लिया है वाटर, अब आपको पता है जो 90 ग्राम है या 90 ग्राम, और वाटर आपने कितना लिया है बॉन्डली
10 ml लिया है, ठीक है, ये 10 ग्राम लिया है। डेंसिटी वाटर की एक डेंसिटी क्या होती है वाटर की, 1 ग्राम पर ml होती है, ठीक है, चाहे आप ml लिखिए चाहे ग्राम लिखिए। 10 ग्राम वाटर लिया आपने, तो वाटर इसको मॉइस्ट कर सकता है ओनली, क्या कर सकता है, 90 ग्राम है ना सॉलिड, अब वाटर सिंपली मॉइस्ट करेगा, तो फेज जो रहा इस केस में क्या रहेगा, फिर सॉलिड रहेगा, ओनली मॉइस्ट होगा ये सॉलिड, ओके। तो आप ऐसे पता कर सकते हैं, समझा रही बात, तो सॉलिड साल्ट 90 ग्राम है, 10 ग्राम वाटर, तो बनेगा आपके पास मॉइस्ट सॉलिड बनेगा। तो ऐसे आप पता कर सकते हैं कि ये सॉलिड जो है वो सॉल्वेंट था इस केस में, ओके, और जो वाटर था वो सॉल्यूट, बिल्कुल आसान। दूसरा तरीका जो है बिल्कुल आसान, इन सभी से भी कुछ भी चेक नहीं करो, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स चेक कर लो, नंबर ऑफ मोल्स बेटा, नंबर ऑफ मोल्स, जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे वो सॉल्वेंट होगा, which has more number of moles, वो जो होगा वो सॉल्वेंट होगा, जिसके नंबर ऑफ मोल्स जो है, नंबर ऑफ मोल्स अगर लेस हुए तो सॉल्यूट होगा। देखिए ध्यान से, मान लो मेरे पास 60 ग्राम NaCl है और 40 ग्राम वाटर है, वैसे इतनी तो सेंस है ही आपको कि ये जो है 60 ग्राम NaCl जब भी डालोगे सर 40 ml वाटर में NaCl डिसॉल्व हो जाएगा, फेज आपको लिक्विड ही दिखेगा। बट तो चेक करने का क्या प्रोसेस है मैं बता देता हूं, मोल चेक करो, इसमें मोल कितने बनेंगे, मोल आपको पता है क्या होता है, किसी का मास, ठीक है, और उसके मॉलिक्यूलर मास से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, मोल क्या होता है, गिवन मास, गिवन मास कितना दे रखा है 60, और एक मॉलिक्यूल का मास, जैसे आपने पता करना है ना कि जैसे मेरे पास मोल क्या होता है, जैसे ये बॉक्स है, इसमें मैंने नंबर ऑफ पेंसिल बतानी है, तो आपको स्टैंडर्ड चीज पता होनी चाहिए ना, कि मान लो मैं बोल रहा हूं कि एक पेंसिल का वजन जो है 2 ग्राम है, एक पेंसिल का वजन कितना है 2 ग्राम है, तो आप बताइए इसमें नंबर ऑफ पेंसिल कितनी आएगी, नंबर ऑफ पेंसिल, ठीक है, तो आपको पता क्या होना चाहिए, टोटल बॉक्स का वेट पता होना चाहिए, टोटल बॉक्स का वेट बोल रहा हूं मैं 10 ग्राम है, ठीक है, बॉक्स का वेट आप नेग्लेजिबल मानिए, टोटल जो पेंसिल का वजन है, टोटल पेंसिल का वजन 10 ग्राम है, और आपको किसका पता होना चाहिए, एक का पता होना चाहिए ना, तभी आपको क्या पता लगेगी, नंबर ऑफ पेंसिल, समझा रही बात, तो नंबर ऑफ पेंसिल कैसे पता करोगे कि सर टोटल पेंसिल का वजन कितना है 10 है और एक का वजन कितना है 2 है, तो सर हम बता सकते हैं नंबर ऑफ पेंसिल कितनी आई, 5 आई। वैसे मोल में भी चलता है कि कितने मोल बनेंगे, कि टोटल का टोटल वेट कितना है, टोटल वेट सैंपल का कितना दे रखा है, टोटल वेट 60 ग्राम है, और एक मॉलिक्यूल का वेट कितना है, एक मॉलिक्यूल का वेट कितना होता है इसका, इसका 23 होता है और इसका 35.5 होता है, तो कितना बना 58.5, ओके, तो टोटल वेट अपॉन एक का वेट, एक मॉलिक्यूल का 58.5, ये मोल निकल गया इसके NaCl के। वाटर के मोल कैसे निकालोगे, मोल ऑफ वाटर, ये मोल ऑफ NaCl निकले बेटा, मोल ऑफ वाटर क्या आएगा, गिवन मास, सर गिवन मास, और एक मॉलिक्यूल का मास होता है बेटा 18, तो ये बना 2 point something बना ये, ओके, और ये 1 point something बना, किसके मोल ज्यादा है, वाटर के मोल सर ज्यादा है, तो इसलिए वाटर जो हुआ वो क्या हुआ सर, वाटर जो हुआ सर वो सॉल्वेंट हुआ, और जो NaCl हुआ सर वो क्या हुआ, सॉल्यूट हुआ, बिल्कुल आसान है, मोल चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है, सभी को क्लियर है, अगर क्लियर है तो बेटा वाई टाइप करेंगे, सॉल्यूट सॉल्वेंट कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, ओके, ठीक है बेटा, ओके गुड, अगर आप ऑनेस्ट वे से लेक्चर को वॉच करेंगे तो आपको सब कुछ समझ आएगा बेटा, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, ओके, देखिए हम आपके लिए चीजें आसान बना रहे हैं, अगर आप फुल कोऑपरेट करोगे, अच्छे से लेक्चर को वॉच करोगे तो आप सब कुछ समझोगे, ऐसी कोई बात नहीं होगी जो आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है।
ओके तो ये जो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट जो है आपस में मिक्स होते हैं, डिजोल्व होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारे जो है कंपोनेंट एक दूसरे में डिजोल्व हो जाते हैं। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को डिजोल्व होने के लिए एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया चाहिए। क्या वो स्पेसिफिक क्राइटेरिया है कि वो कैसे कब डिजोल्व हो सकते हैं? अगर उनकी केमिकल सिमिलरिटी क्या हुई, सेम हुई, केमिकली वो क्या हुए, सिमिलर हुए, समझा रही बात, तभी क्या बन सकता है, सॉल्यूशन बन सकता है। अगर केमिकली वो डिफरेंट हुए तब सॉल्यूशन नहीं बनेगा। जैसे एक मान लो मैंने ऑयल लिया और एक बिकर में वाटर लिया, अगर मैं उनको मिक्स करूंगा तब नहीं वो सॉल्यूशन बने, तब नहीं वो मिक्स हुए, उनका फेज ही अलग अलग हो गया, समझा रही बात। एक ऑयल लेयर बन जाएगी, एक वाटर लेयर बन जाएगी। तो सॉल्यूशन बनने के लिए क्राइटेरिया क्या है, बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मस्ट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। सॉल्यूशन तभी बनेगा, ठीक है, सॉल्यूशन कब बनेगा, सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड व्हेन बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हैव सिमिलर केमिकल पोलैरिटी, ओके, या रिएक्टिविटी, ओके, समझा रही बात। एक जैसे होने चाहिए, वो ऐसा नहीं कि एक पोलर हुआ दूसरा नॉन पोलर हुआ, ठीक है। मतलब बेसिक प्रिंसिपल क्या रहता है डिसॉल्व होने के लिए, सॉल्यूशन बनने के लिए, लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक। एक जैसे ही एक जैसे में घुल मिल सकते हैं। जैसे तुम आपस में दोस्ती करना चाहो तो जैसा एक का नेचर वैसे दूसरे का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक का नेचर अलग है दूसरे का अलग है, तो कभी उनमें दोस्ती नहीं हो सकती, समझा रही बात। तो तभी सॉल्यूशन बन सकता है, तभी अच्छे से होमोजीनियस सॉल्यूशन बनेगा, अगर दोनों का नेचर क्या है, सेम है, केमिकल क्लैरिटी दोनों की सेम है, ओके। फॉर एग्जाम्पल NaCl डिसॉल्व इन वाटर होता है, ये आप कॉमन देखते हो, NaCl डिसॉल्व इन वाटर, ओके। इवन इथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर, इथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर, इससे एक्टिविटी बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। अगर आप इथेनॉल डिसॉल्व करोगे वाटर में, ठीक है, और इसको एज ए मेडिसिन लोगे, ओके, तो आप केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी फिर, समझा रही बात। तो देखिए इसमें भी चार्जेस है, आयन्स है, आयनिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड, और वाटर जो होता है वो भी पोलर नेचर के होता है। वाटर जो है ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज होता है, पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव होता है ना, तो ये भी पोलर है, इसके ऊपर भी चार्जेस है और इसके ऊपर भी चार्जेस है, ठीक है। तो ये जो Na पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव है, इसको कौन सॉल्वेट करेगा, सारा ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव है, तो Na पॉजिटिव को यही डिसॉल्व कर सकता है सर, यही सॉल्वेट कर सकता है, समझा रही बात, बात समझ आ रही सभी को, ठीक है। आंसर टाइप करेंगे बेटा, अगर बात वाई टाइप करें, अगर बात समझ आ रही है तो एक जैसी चीजें एक जैसी में डिसॉल्व हो सकती हैं, ओके गुड, ठीक है। अब सीएल नेगेटिव को कौन सॉल्वेट करेगा, सीएल नेगेटिव जो सर, अब आपको पता है हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, तो हाइड्रोजन का जो पार्शियल पॉजिटिव होगा, हाइड्रोजन का जो पार्शियल पॉजिटिव होगा, ठीक है, सीएल नेगेटिव को क्या करेगा, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और जो है सीएल नेगेटिव के अराउंड एक लेयर बना लेगा, ओके। तो ये बेसिक प्रिंसिपल रहता है, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं, ठीक है। तो सॉल्वेशन होने के लिए, डिसॉल्व होने के लिए दोनों की केमिकल जो पोलैरिटी है वो सेम चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पोलर एक नॉन पोलर, जैसे मान लो मैंने लिया वाटर और लिया आयोडीन, क्या आयोडीन जो है वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि सर जो वाटर है वो पोलर नेचर का है, वाटर के ऊपर चार्जेस है और आयोडीन के ऊपर कोई चार्जेस नहीं है सर, ये तो नॉन पोलर है, चार्जेस क्यों नहीं है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, नो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, ओके, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है बेटा, तो ये क्या हुआ, नॉन पोलर, कोई चार्जेस नहीं है, तो आयोडीन वाटर में डिसॉल्व भी
नहीं होगी. ओके बिल्कुल आसान है. तो लाइक डिसॉल्व लाइक. तो आयोडीन किसमें डिसॉल्व हो सकती है? मान लो अगर आपने आयोडीन डिसॉल्व करनी है तो क्या कर लो, आयोडीन को डिसॉल्व कर लो CCl4 में, क्योंकि सर ये भी नॉन पोलर है. नॉन पोलर का मतलब नेट चार्जेस क्या है, जीरो. ठीक है, मतलब इसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, नॉन पोलर. CCl4 भी क्या है, नॉन पोलर. नॉन पोलर होते हैं बेटा जिनका डाइपोल मोमेंट जो है वो कितना होता है, जीरो डाइपोल मोमेंट. अब आपको पता होता है ये डाइपोल मोमेंट क्या होता है. ठीक है, इसका भी डाइपोल मोमेंट क्या है, जीरो. तो नॉन पोलर आपस में डिसॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, जैसे बेंजीन है, बेंजीन एंड टॉलिन आपस में डिसॉल्व हो जाएंगे. चलो ये बाकी बातें बाद में करते हैं. ठीक है, इतना समझ गए आप कि जो सिमिलर जो कंपोनेंट है वो उन्हीं का क्या बन सकता है, सॉल्यूशन बन सकता है. ओके, उन्हीं का क्या बनता है, सॉल्यूशन बन सकता है. यस ठीक है. अब सॉल्यूशन बनने के लिए कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व होती है. ठीक है, तो सॉल्यूशन तभी बन सकता है जब सॉल्यूट की बॉन्ड टूटेंगी, सॉल्वेंट की बॉन्ड टूटेंगी, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में क्या बनेगी, बॉन्ड बनेगी, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगी, तभी क्या बन सकता है, सॉल्यूशन बन सकता है. ठीक है, बोलने का मतलब क्या है, देखिए मैं क्या बता रहा हूं, एनर्जीज ऑफ सॉल्यूशन, एनर्जीज ऑफ सॉल्यूशन, एनर्जी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ. देखिए मेरे पास ये दो कंपोनेंट है बेटा, ए कंपोनेंट है एंड बी कंपोनेंट है. जनरली इस चैप्टर में ना हम दो ही कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करते हैं. ठीक है, एक सॉल्यूट रहता है, एक ही सॉल्यूट रहता है, और एक ही टाइप का क्या रहता है, सॉल्वेंट रहता है. मतलब जो जब आप हायर लेवल पे जाओगे तो क्वार्टरनरी सॉल्यूशन भी पढ़ोगे, टर्नरी भी पढ़ोगे, ठीक है, फेज डायग्राम वो सब कुछ पढ़ोगे आप, बट जो प्लस टू लेवल तक है वो इतना ही है. बाइनरी कंपोनेंट हम जनरली बाइनरी सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं इसमें. ठीक है, तो ए कंपोनेंट है और एक बी कंपोनेंट है. ए कंपोनेंट मैं बोल रहा हूं सॉल्यूट है, और बी कंपोनेंट है वो मैं बोल रहा हूं सॉल्वेंट है. ओके, ए कंपोनेंट है मतलब ए पार्टिकल, ए टाइप के पार्टिकल है इसमें, और ए इनके पार्टिकल के बीच में क्या होगी आपस में, सर अट्रैक्टिव फोर्स होगी, होगी ना. तभी तो मान लो ये लिक्विड है, और इस केस में हम जनरली लिक्विड ही डिस्कस करते हैं. ओके, ये भी लिक्विड है बट ये स्मॉल अमाउंट में है, और बी भी लिक्विड है वो लार्ज अमाउंट में है. ये बी के पार्टिकल है लिक्विड पार्टिकल है. ठीक है, इनके बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स है. ओके, हर पार्टिकल के बीच में क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है. इट मे बी वेंडरवाल फोर्स, इट मे बी हाइड्रोजन बॉन्ड, कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपने सॉल्वेंट कौन सा लिया है. अगर वाटर लिया है तो वाटर में सर हाइड्रोजन बॉन्ड होगी. ठीक है बात, अगर आपने वो लिया है CCl4 वगैरह लिया है, ठीक है CCl4 वगैरह लिया है तो वो नॉन पोलर है, तो उनमें वेंडरवाल फोर्सेस होती हैं. ठीक है, ये हम सरफेस उसमें स्टेट्स ऑफ मैटर में मैंने आपको पढ़ा दिया था. ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं, ये ए है और ये बी है, इनके बीच आपस में मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. इसमें भी आपस के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. इसमें ए ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और इसमें बी बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. अब जब दोनों को मिलाया सर, दोनों को मिलाया तो क्या बनेगा सर, सॉल्यूशन बनेगा. और सॉल्यूशन बनेगा तो क्या होगी, ये जो ए के पार्टिकल है और बी के पार्टिकल है, इनके बीच में क्या होगी सर, अट्रैक्टिव फोर्स, तभी तो डिसॉल्व होंगे ना एक दूसरे में. ए के पार्टिकल है और एक किसका पार्टिकल है, बी का पार्टिकल है. ठीक है, बी के पार्टिकल है तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है. समझ आ रही बात, ए के पार्टिकल आप रेड मान लीजिए, ठीक है, बी के पार्टिकल ये है. तो अब क्या होना चाहिए, अब ये प्रोसेस जो है, देखिए अगर मान लो इसको ए ए अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी, ऑब्वियस बात है, तभी अट्रैक्टिव फोर्स ब्रेक होगी. बी बी अट्रैक्शन जो ये जो मॉलिक्यूल की अट्रैक्शन है एक दूसरे के साथ, इसको भी तोड़ने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए. और ये जो बॉन्ड बनी यहां पे ही एनर्जी क्या होगी, जब बॉन्ड बनती है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज. जब अट्रैक्टिव फोर्सेस आती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस ब्रेक करनी है आपने, तो एनर्जी चाहिए. ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है. तो यहां पे एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी. जब भी एनर्जी रिलीज होती है तो वो जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है बेटा,
एक्सोथर्मिक प्रेशर, एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक में जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको मैं बोल देता हूं मान लो डेल्टा एच थी, बोल दी मैंने। और यहां पे इनको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, तभी तो ए पार्टिकल अलग होगा और बी पार्टिकल अलग होगा, तभी इनके बीच में क्या बनेगी, बॉन्ड बनेगी, ठीक है। तो इसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, तो इसको एनर्जी को मैंने बोल दिया डेल्टा एच वन जो चाहिए, क्योंकि ये प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक है। अगर एनर्जी रिक्वायर चाहिए, मतलब चाहिए आपको, तो प्रोसेस क्या होगा, एंडोथर्मिक। यहां से भी एनर्जी चाहिए तो कौन सा प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक। इसको बोल दिया मैंने डेल्टा एच टू, ओके। और ये डेल्टा एच थ्री है जो एनर्जी रिलीज हुई। तो नेट एनर्जी जो सॉल्यूशन की एनर्जी है वो क्या होगी, सॉल्यूशन की एनर्जी वो क्या होगी, इन तीनों का सम होगी कि अब वो देखना पड़ेगा मैं कि नेट एनर्जी रिलीज हुई या क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई, ठीक है, ये डिपेंड करेगा। तो डेल्टा एच सॉल्यूशन क्या है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है नेट, ठीक है, कि सर तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगी इन अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस रिलीज कितनी हुई, डेल्टा एच थ्री। बिल्कुल आसान है, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और आ भी गया ये क्वेश्चन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का रिलेशन पूछा था। अब देखिए जो डेल्टा एच सॉल्यूशन है वो रिलीज कब होगी, वो तभी रिलीज होगी, एनर्जी तभी रिलीज होगी सराउंडिंग को जब ये चीज डेल्टा एच थ्री ज्यादा आएगी। मान लो जो नेट एनर्जी यूटिलाइज हुई ए और बी को तोड़ने के लिए वो हुई मान लो 40 किलो जूल पर मोल, और जो रिलीज हुई जब बॉन्ड बनी ए एंड बी की तो जो रिलीज हुई वो मान लो हुई 60 किलो जूल। बट इसका साइन तो क्या होता है, नेगेटिव होता है, पता है ना, जब एनर्जी रिलीज होती है तो साइन क्या आता है, नेगेटिव आता है, जब एब्जॉर्ब होती है तो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इस केस में क्या रहेगा प्रोसेस, बताना जरा मेरे को। अब यहां पे ये 40 है और ये -60 है तो कितना है, -20। तो नेट में जो प्रोसेस था वो एक्सोथर्मिक रहा या एंडोथर्मिक रहा, कमेंट करेंगे। अगर एक्सो रहा तो एक्सो लिखेंगे, अगर एंडो रहा तो एंडो लिखेंगे। टाइप करें बेटा एक्सो, ठीक है, एक्सोथर्मिक, एक्सो एक्सो एक्सो, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। नेट में एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई। अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड ज्यादा आता है और इसका कम आता है, मान लो अब ये 60 है और ये 40 है, तो 60 - 40 तो 20, तो एनर्जी अब्सॉर्ब होगी नेट में, ओके, बिल्कुल आसान है। फिर वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर, कि टेम्परेचर, वो आगे डिस्कस करता हूं मैं, कि टेम्परेचर के बढ़ने से अब सोलिबिलिटी कम होगी या ज्यादा होगी, ठीक है। ओके, तो ये तो आपने एनर्जी ऑफ सॉल्यूशन देख ली, तो ये रिलेशन आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपके पास जो सॉल्यूशन बनते हैं वो कौन कौन से सॉल्यूशन बन सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन बन सकते हैं, तो वो कौन कौन से हैं वो देखेंगे हम, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन हो सकते हैं, ओके। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यहां पे लिख रहा हूं मैं सॉल्यूट, यहां पे लिखा सॉल्वेंट, और हम यहां पे उसका क्या दे रहे हैं, एग्जांपल दे रहे हैं, क्लियर है बात। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, मैं पहले गैसियस सॉल्यूशन की बात करता हूं, गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन में मैं क्या कर रहा हूं, सॉल्वेंट जो है वो गैस ले रहा हूं, ऑब्वियस बात है गैसियस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट क्या हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं। तो तीन वैरायटी बन सकती है सॉल्यूशन की, या तो आप इसमें गैस इन गैस डिसॉल्व कर सकते हैं, गैस में गैस ही मिक्स है, ओके, और या तो आप लिक्विड इन गैस, अब लिक्विड है गैस में, लिक्विड पार्टिकल है, लिक्विड जो वेपर पार्टिकल हो सकते हैं फिर वो गैस में, ओके, या क्या हो सकता है, सॉलिड इन गैस। तो इसका एग्जांपल देखिए, गैस इन गैस,
सीधा सा एग्जांपल है सर, एयर। एयर क्या है? एक होमोजीनियस सॉल्यूशन है, होमोजीनियस है ना, सेम कंपोजिशन है। चाहे आप यहां पे पोर्शन ये डिवाइड करेंगे, जितना ऑक्सीजन नाइट्रोजन CO2 का जो एरिया रहेगा वो यहाँ पे इतना रहेगा जितना यहाँ पे रहेगा। ओके, जितने पार्ट्स आप डिवाइड करोगे, होमोजीनियस है मतलब कंपोजिशन। ओके, ऑक्सीजन 21% है जितनी भी रहती है, और नाइट्रोजन 78, बाकी CO2 क्या स्मॉल अमाउंट में। एयर मतलब N2 एंड O2। हाँ, तो N2 और O2 में O2 क्या हुआ यहाँ पे? O2 अगर 21% है तो O2 क्या हुआ यहाँ पे? सोल्यूट हुआ। और N2 अगर 78% है तो ये क्या हुआ सर? सॉल्वेंट हुआ। ठीक है, बिल्कुल आसान है। लिक्विड इन गैस, तो इसमें मैं एग्जांपल ले रहा हूं क्लोरोफॉर्म वेपर, क्लोरोफॉर्म वेपर्स इन गैस, क्लोरोफॉर्म वेपर्स। ठीक है, इन एयर ले लो आप क्लोरोफॉर्म वेपर्स, या N2 में ले लो। क्लोरोफॉर्म जनरली जो होती है वो लिक्विड फेज में होती है रूम टेम्परेचर पे। ओके, तो इसके वेपर बनते हैं। ठीक है, अगर आप किसका एनवायरमेंट लोगे? नाइट्रोजन का एनवायरमेंट लोगे। क्लियर है बात? तो क्लोरोफॉर्म वेपर्स हो गए। ठीक है, ये मतलब मैक्सिमम नाइट्रोजन ही है इसमें, और इसमें किसके वेपर है? थोड़े से क्लोरोफॉर्म के वेपर है सर इसमें। ओके, पहले क्लोरोफॉर्म क्या था? लिक्विड फेज में था क्लोरोफॉर्म के वेपर। अच्छा, सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस का क्या एग्जांपल है आपके पास सॉल्यूशन में? एक तो स्मोक हो गया, जिसमें क्या होंगे? डस्ट पार्टिकल होंगे। स्मोक किसका एग्जांपल हो गया? ओके, स्मोक किसका एग्जांपल हो गया? सॉलिड इन गैस का हो गया। ओके, या आप ले सकते हैं किसका एग्जांपल? कैम्फर, कपूर जिसको बोलते हैं आप। ठीक है, कपूर, कैम्फर वेपर, कैम्फर वेपर इन N2। समझा रही बात? कैम्फर पहले क्या था? सॉलिड था, तो एकदम से क्या होता है? ये सब्लाइम होता है। तो इसके थोड़े बहुत वेपर है किसमें? N2 में, गैस में। N2 सॉल्वेंट है सभी जगह, बिल्कुल आसान है। अच्छा बेटा, बफरिंग हो रही है, कोई नहीं, वेट कर लेते हैं आप। ठीक है बेटा, और ठीक है तो ठीक है ना? ओके, ठीक है, गुड। तो नेक्स्ट जो है, ये तो आपने देख लिया सर, सॉल्वेंट आपने गैस लिया, सॉल्यूट लिया सर आपने गैस, लिक्विड सॉलिड कुछ भी हो सकता है। अब हम और वैरायटी करेंगे। दूसरा कौन सा सॉल्यूशन हो सकता है बेटा? दूसरा हो सकता है आपके पास सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन हो सकता है, लिक्विड सॉल्यूशन। वैसे इसमें भी तीन वैरायटी के सॉल्यूशन बना सकते हो फिर आप। जो सॉल्वेंट है वो क्या ले सकते हो अब आप? लिक्विड ले सकते हो सर। सॉल्वेंट जो है वो सर आप लिक्विड ले सकते हैं यहाँ पे। अब जो सॉल्यूट है वो क्या हो सकता है? हो सकता है गैस इन लिक्विड हो, लिक्विड इन लिक्विड हो, और सॉलिड इन लिक्विड हो। ये हो सकते हैं ना, तीन वैरायटी के ये सॉल्यूशन बन सकते हैं। तो इसके एग्जांपल देखिए, साथ साथ में बच्चे नोट कर रहे हैं ना? ठीक है, साथ साथ में आपने नोट करते रहना बेटा, कोई दिक्कत वाली बात होगी तो बताना। ठीक है, गैस इन लिक्विड है, इसका एग्जांपल बिल्कुल आसान है सर, O2 डिसॉल्वड इन, O2 डिसॉल्वड इन वाटर। ठीक है, आपको पता है वाटर में क्या होती है? O2 डिसॉल्व होती है, या जो आपका कार्बोनेटेड वाटर होता है, ठीक है, सोडा वाटर, CO2 डिसॉल्व की होती है उसमें। समझा रही बात? या आप एग्जांपल ले सकते हो CO2 इन वाटर, CO2 इन वाटर। तो ये जो है ये सोल्यूट है, गैस है ये, और ये जो है ये सॉल्वेंट है, लिक्विड सॉल्वेंट है। अच्छा, लिक्विड इन लिक्विड बिल्कुल आसान है सर, इथेनॉल इन वाटर, अल्कोहल जो है वाटर में डाल दिया है। ठीक है, अब सॉलिड इन लिक्विड बिल्कुल आसान है, NaCl डाल दो, NaCl इन वाटर। ठीक
ठीक है, NaCl जो है सोल्यूट है, वाटर में डाला है, तो वाटर जो है वो क्या है, सॉल्वेंट है, हाँ सैनिटाइजर बन गया, बट सैनिटाइजर में अल्कोहल का कंटेंट ज्यादा चाहिए, तो वहां पे अल्कोहल जो है वो सॉल्वेंट है, गुड, अच्छा है। नेक्स्ट हम कौन सा सॉल्यूशन बना सकते हैं, ये टाइप कर नोट कर लिया होगा सभी बच्चों ने। नेक्स्ट जो है लास्ट सॉलिड सॉल्यूशन, लास्ट टाइप का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, सॉलिड सॉल्यूशन, इसमें क्या हो सकता है, सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो है मैं सॉलिड लूंगा यहां पे, सॉलिड सॉलिड सॉलिड। बट एक बात बता दूं, मैं इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर में हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे जनरली लिक्विड सॉल्यूशन, समझा रही बात, लिक्विड सॉल्यूशन करेंगे। ओके, सॉल्वेंट सॉलिड है, यहां पे भी सॉलिड है, यहां पे भी सॉलिड है, तो क्या क्या वैरायटी हो सकती है सर, गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, ये तीन वैरायटी हो सकती है सॉल्यूशन की। एग्जांपल देखिए, तो गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड में आप देखिए H2 जो है वो प्लेटियम में जनरली स्टोर करते हैं हम हाइड्रोजन को, पता होना चाहिए आपको, ठीक है, जो हाइड्रोजन गैस है उसमें, उसको किसमें स्टोर करते हैं हम, प्लेटियम में, ठीक है, H2 डिसॉल्व्ड इन प्लेटियम, प्लेटियम जो है पाउडर फॉर्म में रखते हैं हम, और उसमें H2 जो है वो उनके पोर्स में क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, समझे, हाइड्रोजन गैस जो है प्लेटियम के पोर में क्या होगी, जो उसके छोटे छोटे पोर्स हैं उसमें क्या हो जाएगी, एड्सॉर्ब हो जाएगी, ठीक है, तो H2 डिसॉल्व्ड इन पैलेडियम, पैलेडियम सॉलिड है पता है आपको बेटा, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड। तो देखिए जैसे मेरे पास मरकरी है, मरकरी जो है वो जनरली किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है।